हाय गाइस, वेलकम टू प्रिंट राइट। मैं आपका होस्ट सनवीर, और आज जो वीडियो लेके आया है ये वीडियो है एक्सपोजिंग फिल्म के बारे में। सो, आपको मार्केट में बहुत सारे एक्सपोजिंग फिल्म्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके का, अलग अलग टाइप्स का। तो आज बात करेंगे सारे एक्सपोजिंग फिल्म के बारे में। सो गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो हम लोग बहुत सारे यूजफुल प्रिंटिंग कंटेंट्स बनाते हैं, सो डू लाइक अस फॉर मोटिवेशन। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको भी ऐसा प्रिंटिंग सेटअप करना हो, स्टार्टअप करना हो, तो स्क्रीन में दिए नंबर पे कॉल कीजिए और हम लोग का वेबसाइट विजिट कीजिए, printright.com। सो गाइस, फिल्म के बारे में बात करते हैं। हम लोग मार्केट में तीन टाइप के फिल्म यूज़ करते हैं फिलहाल, तो माइट बी न्यू फिल्म्स विल कम इन फ्यूचर, बट अभी के लिए हम लोग तीन टाइप के फिल्म यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन है बटर पेपर। आपको ये शायद कैमरा में इतना पता नहीं चलेगा, तीनों के तीनों फिल्म आपको शायद देखने में एक ही लगेगा, लेकिन एवरी थिंग हैव डिफरेंसेस। तो सबसे सस्ता है बटर पेपर, ये आपको बहुत ही कम दाम में 2-3 रुपये में मिल जाएगा आपको पेपर का, और ये नॉर्मल पेपर टाइप का है। उसके बाद इसको फिल्म नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये एक्सपोजिंग में काम आता है। तो हम लोग फिर बात करेंगे लेज़र पेपर का। तो लेज़र प्रिंटर्स के लिए बनाया गया है, ये फिल्म है, और इससे हम लोग भी एक्सपोजिंग कर सकते हैं। और आखिर में जो फिल्म हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं इंजेक्ट फिल्म। ये इंजेक्ट और इंक टैंक प्रिंटर्स के लिए है। सो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं पहला पेपर जिसको बहुत वाइडली यूज़ करते हैं लोग, इसको बोलते हैं बटर पेपर, और बहुत से लोग इसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर भी। ये बहुत ही सस्ता है, 2-3 रुपये में आता है, और ये आपका कार्टेजेस प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर सब में काम आएगा। अच्छा रिजल्ट के लिए लेज़र प्रिंटर इज प्रिफर्ड। आप एक सैंपल देख पा रहे होंगे, ये है बटर पेपर का सैंपल। यहाँ का जो ब्राइटनेस है, जो इसका ओपेसिटी है, डीपनेस ऑफ द पेपर, वो बहुत ही लाइट है। अगर आप एक्सपोजिंग में इसको रखेंगे और इसको एक्सपोज करेंगे, माइट बी यहाँ से लाइट पास होने का चांसेस है। अगर आप बटर पेपर में करोगे या ट्रेसिंग पेपर में आप करोगे, तो रिकमेंडेड कि आप ऐसा प्रिंट आउट 2 या 3 ले, 2-3 प्रिंट आउट आप इसमें ले, और इसको एक साथ जोड़ के, मतलब यही डिज़ाइन आप 3 प्रिंट आउट लेके तीनों डिज़ाइन को जोड़ के एक्सपोज करें, तो क्या है आपका एक्सपोजिंग में, ये आपका बाहर जो लाइट है बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन दिस इज अ नीश प्रोडक्ट, ये बहुत ही स्टार्टिंग रेंज ऑफ पेपर है। आपको इससे अच्छे क्वालिटी का, अगर आपके पास इससे लेज़र प्रिंटर है और इससे अच्छा क्वालिटी का आप उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कीजिए लेज़र फिल्म। लेज़र फिल्म आप सारे लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, जो जिसका कलर डेप्थ आपको अच्छा आएगा, देख पा रहे होंगे इतना ख़राब भी नहीं है। मैं एक सपोर्ट दिखा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए वाइट बैकग्राउंड है, इस पर सपोर्ट देके मैं आपको दिखाया, देखिए इसका जो कलर डेप्थ है वो अच्छा है, इतना ख़राब है नहीं। जब आप एक्सपोजिंग करोगे, यहाँ से लाइट पास होने का चांसेस कम है, और ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इस पर आपको कोई एक्स्ट्रा डबल या ट्रिपल लगाने की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे क्या आप सिंगल पेपर में ही एक्सपोज कर पाएंगे। तो ये आपको मार्केट में 4 रुपये से 5-6 रुपये से लेकर 7-8 रुपये तक मिल जाएगा, जिससे आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपके पास लेज़र प्रिंटर होना चाहिए। और तीसरा प्रिंट जो है फिल्म, इसको बोलते हैं इंजेक्ट फिल्म। ये इंजेक्ट प्रिंटर्स के लिए है, जहाँ पे आप साइड में देख पाओगे इंक का टैंक होता है, और वहाँ पे आपका एप्सन जैसे L1800, L1300, L180, L130, ये सारे इंजेक्ट प्रिंटर्स हैं। तो इंजेक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, सारा जो लिक्विड होता है इट्स आर लिक्विड फॉर्म। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, द इंक
द इंक आर इन पाउडर फॉर्म, और इंकजेट प्रिंटर में जो इंक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विड प्रूफ कोटिंग किया जाता है, जिससे आप इंकजेट प्रिंटर में भी आप इसको प्रिंट लेके बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। इसका एक सैंपल दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसका सैंपल। इसके अंदर हम लोग फिर से आपको एक वाइट पेपर ला के दिखाएंगे, देखिए कितना शार्प एंड डार्क है, जिसको आपको एक्सपोजिंग करने के लिए बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा एक्सपोजिंग के लिए, और आपको अच्छा क्वालिटी का एक्सपोजिंग का जो इफेक्ट मिलेगा, मतलब आपका झलझट ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा वॉशिंग कर रहे हो धो रहे हो मैटर नहीं निकल रहा है, आप इतना डिज़ाइन कर रहे हो तो आप नहीं निकल रहा है, वो सब आपका जो इशू है इस इंकजेट प्रिंटर में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, अगर आपका अच्छा एक्सपोजिंग यूनिट है और जिससे आपको ऐसा प्रिंट आउट करने वाला प्रिंटर है, सो आपको अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा। और यही तीन पेपर है जो अभी मार्केट में यूज़ हो रहा है, और उसे जब जाने से पहले एक आपको बता के जाओ टिप बोल सकते हैं, अगर आप कोई भी प्रिंटर लेज़र हो इंजेक्ट हो या आपका ये जैसे बटर पेपर हो कोई भी प्रिंटर हो, आप जब भी प्रिंट आउट करते हो आपको करना है हाईएस्ट सेटिंग में, आपको जो प्रिंटिंग प्रिंट आउट करना है सबसे हाईएस्ट सेटिंग में प्रिंट आउट करना है, जो आपका प्रिंट आउट हो वो हाईएस्ट सेटिंग में प्रिंट आउट हो, तभी आपको ऐसा पिच ब्लैक प्रिंट आउट मिलेगा। और अगर आपके पास बजट है तो आप रिप सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो, जिससे आपका प्रिंटिंग का क्वालिटी और अच्छा होगा। और दूसरा टिप, अगर आपने अभी तक प्रिंटर नहीं खरीदे हैं, अगर खरीदने वाले हैं, अगर आपके पास लेज़र प्रिंटर है ये प्रिंटर है वो प्रिंटर है, तो आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप खरीदने वाले हैं प्रिंटर सो गो फॉर इंकजेट फिल्म, ये थोड़ा महंगा है, इट लिटिल बिट कॉस्टली, लेकिन इट विल गिव ए ग्रेट इफेक्ट टू यू, और आपको क्या है जो हेडेक होता है एक्सपोजिंग का आपका 90% तो यही ख़त्म कर देगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखिए ये इमेज देखिए आप, ये एक हाफ टोन इमेज है, ये ब्लैक बैटमैन का हाफ टोन इमेज है जो बहुत ही माइक्रो होल्स के साथ है, ये प्रिंट आउट है इंजेक्ट फिल्म में। अगर आप सोचो कि आप ये प्रिंट आउट अगर आप ये जो ऑर्डिनरी साधारण आप बटर पेपर में करोगे तो क्या है जो डिप है, जो आपका जो इमेज का जो डीपनेस है और इमेज का जो पिच ब्लैक का जो डीपनेस है वो आपको मिलेगा नहीं, और आपको एक्सपोजिंग आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, हम लोगों ने बहुत लोग देखे हैं जो एक्सपीरियंस है जो इससे भी करते, लेकिन अगर यू आर इंटरमीडिएट और आप ये बिगिनर, सो आपको क्या है एक्सपोजिंग आपके लिए हाफ टोल एक्सपोजिंग आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, ये तो टैग हो गया छोटा एक्सपोजिंग हो गया वो सब आपके लिए बहुत सरदर्द का काम हो जाएगा, जिससे आप आसानी से नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है इन्वेस्ट करने वाले हो तो गो फॉर इंजेक्ट फिल्म, और इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव ए लेजर प्रिंटर देन ऑफ कोर्स यू कैन गो विद लेजर प्रिंटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज दैट गो विद ए ट्रेसिंग पेपर और ए बटर पेपर। सो दैट इज फॉर द वीडियो, होप द वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिससे आपको इससे कुछ आपको जानकारी मिला होगा जिससे आपको सीख पाए, तो हम लोग आते रहेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे जिससे आपका प्रिंटिंग जानी में हेल्प हो। तो आज के लिए रणवीर साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू सून।